दुर्ग रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की मुस्तैदी के चलते चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस से दो व्यक्तियों के पास से लाखों रुपए का सोना पकड़ा है, जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके बाद आरपीएफ द्वारा कार्रवाई की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगी हुई है। आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशन में सघन चेकिंग अभियान चलाया भी जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस के कोच D5 से दो व्यक्तियों हरप्रीत सिंह और सुरेंद्र पाल के सामानों की जांच के दौरान पकड़ा गया, जिनके पास से लाखों के सोने के आभूषण बिना दस्तावेज के पाए गए। बता दें कि आरपीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी को सर्च किया गया और दोनों के पास से मिले बैग से लाखों के आभूषण, जिसमें अंगूठी, ब्रेसलेट, नाक की लौंग, कान की बाली इत्यादि सामान पाए गए हैं। इन जेवरातों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है, जिसको लेकर दुर्ग आरपीएफ ने सामानों की जब्ती बनाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में आरपीएफ प्रभारी एसके सिन्हा ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। अभी छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन द्वारा और अपने हेडक्वार्टर द्वारा जो आदेश पारित हुआ है, तो सारे गाड़ी में चेकिंग चल रहा है, जो सोना चांदी या कैश वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो आज सुबह में जनशताब्दी चेक किए हम लोग, तो उसमें D5 के कोच में एक संदिग्ध बैग मिला था। व्यक्ति से पूछताछ करने पर वो बताया कि उसमें गोंदिया तक जा रहा है वो, तो बैग का फिर तलाशी लेने पर उसमें सोना का कुछ ज्वेलरी मिला है, जिसका अनुमानित कीमत करीब 58 लाख है। उसको कागजी कार्रवाई वगैरह करके सब GST को सुपुर्द किया जा रहा है। टोटल 2 लोग हैं इसमें। ट्रेंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।